तो मैच चैनल एबीरॉक्स टीम्स, तो अभी एक मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलियन लीग फुटबॉल का, सिडनी वर्सेस मकैर्थर के बीच। और ये वीडियो बनाने में इतना लेट हो गया कि लाइनअप सी आ गई, तो वीडियो थोड़ी जल्दी पोस्ट होगी, सो आप वीडियो जल्दी देखो। तो बात करें ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इधर ही मैं फाइनल टीम पोस्ट करता हूँ दिन की एक दो जो भी ओपन रहती हैं। तो गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, लिंक है नीचे। और गाइज यही मेरा ओरिजिनल चैनल है, बी अवेयर फ्रॉम एन अदर फेक चैनल्स। तो चलते हैं आगे। बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो यहाँ पर मैं देखो सिडनी FC को थोड़ा स्ट्रॉन्ग इससे समझ रहा हूँ क्योंकि उनके पास एक मतलब पावर है। आखिरी के जब पिछला सीजन चल रहा था फरवरी के लास्ट में, इनके पास एक नया प्लेयर ऐड हुआ था जिसका नाम है एले फॉन्ड्रे, और फॉन्ड्रे अच्छी फॉर्म में, मैं आपको साफ बता दूँ। आगे से बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर फिलिप कुर्टो को यहाँ पर लेना पड़ता है। कई लोग रेडीमैन को लेंगे, बट रेडीमैन को लेने का यहाँ पर मेरे पास भी चांस है, मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ। आगे से बात करूँ ग्रैंट की, यहाँ पर लूँगा रेहान ग्रैंट जे किंग, और नीचे से एक प्लेयर है विलिंगसन। ये तीनों को प्लेयर को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि तीनों प्लेयर सिडनी टीम को फेवर कर रहे हैं, साथ ही साथ इनकी डिफेंडिंग है स्ट्रॉन्ग। वारलैंड को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन थी भी, तो भी मैं नीचे से ले गया दूसरा प्लेयर जिसका नाम अलेक्जेंडर। मैं चाहता हूँ दोनों तरफ से गोल्स हों इस मैच के अंदर, मेरी दिल की तमन्ना है कि दोनों तरफ से भले एक एक गोल हो लेकिन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने डिफेंडर्स हैं वो तो तब भी काम आएंगे, नहीं होगा तब भी काम आएंगे, वो बात नहीं है। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, एंथनी कैक्रेस को लूँगा। कैक्रेस ने पिछले मैच में हैरान कर दिया, बिना कुछ करे, बिना गोल करे, बिना असिस्ट करे, बिना शॉट ऑन टारगेट लगाए, इस बंदे ने 68 पॉइंट्स दे दिए, और 68 पॉइंट्स देना मजाक नहीं। 5 इंस्क्रिप्शन इसने वॉन की दे, 5 टैकल्स, और जितने ये पॉइंट दे गया उतने तो एक गोल में भी नहीं मिलते, उससे ज़्यादा ही दे गया, मतलब मैं मान गया इस प्लेयर को। और आगे से बात करूँ कैम्बोसा की, एल्विस कैम्बोसा पिछले मैच में चला नहीं लेकिन आज के मैच में चल सकता है क्योंकि कैम्बोसा का नाम आपने भी सुना होगा, सबसे मेन प्लेयर है। डीडे सिल्वा पिछले साल भी नहीं चलता था तो मेरे को मजबूरी थी पिछले मैच में लेना, तो डीडे सिल्वा को यहाँ पर अपन लोग ड्रॉप कर रहे हैं एंड मैं उसकी जगह ले रहा हूँ नून को। देन सी नून मैकैर्थर टीम का सबसे मेन प्लेयर है, और अगर मिडफील्डिंग में देखा जाए तो मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर मैकैर्थर टीम में से सबसे ज़्यादा गोल करने वाला एकमात्र प्लेयर नून है। ठीक है, ये तीनों प्लेयर्स हो गए। आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, एले फॉन्ड्रे को लूँगा। एडम ले फॉन्ड्रे ने पिछले मैच के अंदर एक मेरे को दुखा कि गोल नहीं किया ना असिस्ट किया, पर एक बात पे से मैं खुश हूँ कि इसने 90 मिनट पूरा खेला। मतलब हम लोग इतने दिल से कैप्टन रखते हैं, भले ही चले या ना चले वो बात की बात है, लेकिन प्लेयर आउट नहीं होना चाहिए, मतलब खेलने से बाहर नहीं जाना चाहिए खेल से। फुटबॉल के अंदर आउट इन का बहुत चक्कर रहता है, इसलिए एले फॉन्ड्रे मेन प्लेयर है। एल रॉस की बात करूँ, रॉस ने जब पिछले मैच में गोल कर दिया जिस कारण इसको 90 मिनट खिलवाया गया, रॉस के भी बहुत गोल्स हो रहे हैं क्योंकि आपको बता दूँ ये पिछली सीरीज के अंदर उलाइसिस जो प्लेयर है इस प्लेयर को मिडफील्डिंग सेक्शन में डाला गया था, तो तभी वो उससे स्ट्राइकिंग अच्छी नहीं हो पा रही। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है एले फॉन्ड्रे, वाइस कैप्टन है नून। दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहता हूं दोनों तरफ से गोल्स हों, दैट्स वाई मैं दोनों को फेवर कर रहा हूं। कैप्टन मैंने अलग टीम का रखा, वाइस कैप्टन अलग टीम का रखा। ये जो टीम है स्मॉल लीग की है, GL में आप इसी टीम में से थोड़ा बदलाव कर सकते हो स्ट्राइकिंग एंड मिडफील्डिंग ऑप्शन से। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।